भैया हर जगह इंटेलिजेंट रिप्लाई है, कहीं भी खड़े होकर पूछ लो। तो मेरा तो मानना है कि बड़ी लोकेशन है तो थोड़ा सा और कवर करते हैं दूसरी, मतलब जहाँ फार्म है उस साइड को, मतलब फार्म क्या मतलब खाली पड़ा एरिया है वहाँ भी चलते हैं। जी क्यों? बिल्कुल। तो अभी वीडियो को ऑफ करते हैं और सीधे दूसरी लोकेशन पर कॉल अच्छा करेंगे। सीख भाई, हवा बंद हो गई और पेड़ जो वो जैसे डरा नहीं रहा हमें। हाँ वही वही हिल रहा है बस। अभी शांत हो गया सब कुछ। एकदम से सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल एकदम शांत शांत हो गया पूरा। तो चलो भाई वहीं मिलते हैं दूसरी, यहाँ से पहले गाड़ी से निकलते हैं और फिर दूसरी जगह मिलते हैं। देखो वैसे अभी हम जा रहे थे लेकिन हमने सोचा एक बार रुक जाते हैं यहाँ पे। तो अभी देखो पेड़ नहीं हिल रहा है कोई भी, ठीक है? अभी यहाँ पे कोई पेड़ नहीं हिल रहा फिलहाल और हवा रुक चुकी है, लेकिन यहाँ आती हवा फिर चल जा रही है, क्या हो गया जहां है? पासा नहीं आता है फिर। हम यहाँ खड़े हो रहे हैं, हवा चल जा रही है, देखो चलने लगी हवा, देखो आओ अंदर आके देखो, अंदर हवा चल रही है, ये ये लो। अब क्या बोलोगे? एक आवाज भी आ रही है, आपको सुनाई दे रही? हाँ रो रहा है कोई? है हाँ जैसे ऐसी आवाज। ये सियार की आवाज है, रोने की नहीं आवाज है? वो तो सियार की एक अलग से आवाज है ये। नहीं अभी तो कोई है, कोई है। एक काम करते हैं, अंदर तो कोई नहीं है। अंदर कोई नहीं है बट वैसे कोई है, हम इसको उससे फ्रंट साइड से लोकेट करते हैं। उधर से क्यों? देख लेते हैं हम। तो भाई फ्रंट साइड से चलते हैं और देखते हैं भाई फ्रंट साइड से क्या दिखता है। फिलहाल हम बैक साइड में थे और फ्रंट साइड में चल के देखते हैं एक बार। तो भाई रोड पे हम आ गए, अब दूसरी साइड जाएंगे इसकी, और सामने जो देख रहे हो आप हल्की सी लाइट सी, वो चांद चमक रहा है और सामने पूरी भीड़ भीड़ टाइप का हो रखा है, सब बंजर पड़ा हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हो रखा है इसमें। पेड़ देखिए कैसे शांत हो गए। तो वैसे पेड़ भी हाँ सब जैसे एरिया पूरा खंडर और शांत पड़ा हुआ है। ऊपर की लाओ, ऊपर की। हाँ ये जंगल, जंगल सा एरिया आ गया पूरा, जंगल है क्या आगे? अच्छा नहीं जंगल, ये बहुत बड़ी लोकेशन है, इधर आना जी, बहुत मतलब मुश्किल ये तो कुछ लोकेशन ही जंगल हो गई। 2200 एकड़ तो मतलब जंगल से कम थोड़ी ना हुआ। ये देखो भाई सीआर बैठे हुए, ये देखो ये सीआर जा रहे थे। है। उसकी बैक साइड हाँ ले रहे किराने हो, किराने दे कहाँ उतार रहे हो? इधर उतारोगे या इधर इधर उतारोगे? रास्ते तो आगे ये सही है, मोटरसाइकिल साइकिल वाला ट्रैक्टर वाला इधर भी रास्ता है? दूर बैठे से यार, इधर भी रास्ता नहीं है। तो भाई रास्ता ढूंढते हैं और फिर ऑन करते हैं कैमरा, ये रास्ता ढूंढ ले पहले। रास्ता है मेरे ख्याल से, सियार अटैक करेंगे कि नहीं? ये रास्ता नहीं तो है ऐसे तो नहीं लेकिन करेंगे। आगे से ऐसा लगा है कि सीधे जाना पड़ेगा, वापस आने का रास्ता ही नहीं। नहीं, यहाँ कहाँ जा रहे हो? चलो चलो चलो, हाँ चलो। देखिए नहीं उतरना क्या है, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है रास्ता। सियार खड़े हैं देखो, इनसे पूछ लो, इन्हीं से पूछ लो ना एक बार रास्ता, ठीक है बता देंगे। क्या कर रहे हैं? वो कुत्ता है, एक कुत्ता है, इनकी दोस्ती कैसे हो गई? अरे वाह, अरे बैठ बैठे भी तो मस्त बॉस की तरह हैं, बाकी तो भाग जाते हैं। तो भाई कच्चे रास्ते में घुस गए हम लोग, 2200 एकड़ जमीन घुमा रहे हैं आपको फिलहाल तो।
एक्सप्लोरिंग पार्ट आ गया एक तरह से ही अब इसमें। रास्ते ही रास्ते इसमें, वही गजब की प्रॉपर्टी है, गजब की। भाई उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग आ गए हैं अब प्रॉपर 2200 एकड़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम 2200 एकड़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, मतलब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में कोई फार्म नहीं है, कोई खेत नहीं है आसपास, ये खेतों के बीच में कोई प्रॉपर्टी हो, ये प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत बड़ा खेत है कह सकते हो आप। बहुत बड़ा खेत का मतलब समझो बहुत सारे खेत, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं उगाया गया। सोचो 2200 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, खाली। यार बहुत बड़ी बात है सोचने वाली है, मैं तो देखते रह गया। सीन क्या है फतेह जी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये पहले ही लोग किया तब क्या कुछ क्या कर लेते थे, जब से गवर्नमेंट ने अपने अंदर लिए यहाँ पे बिजली वैसी ही पड़ी है बंजर, तो बिल्कुल कोई लाइट नजर नहीं आ गया, कोई लाइट नहीं है। इतना बड़ा एक्सप्लोरिंग है ना, कोई हद नहीं है इसकी। यहाँ पेड़ गिरा रखा है क्या? रास्ता तो है वैसे, रास्ता तो है वैसे, सामने पेड़ गिरा हुआ भाई, रास्ता तो है फिर। लेकिन जंगल में आ गए हम तो, ये और समझ में नहीं है यहाँ आसपास जंगल नहीं है, अपने जंगल आवाज नहीं है यहाँ पे कुछ गिराने को, रास्ता वो जा रहा है। ये नहीं है रास्ता है? ये नहीं है रास्ता, किसी को है भी नहीं लगता ऐसे, तालाब है क्या, नदी है क्या, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नदी है तो, नदी कहाँ से आ गई है, क्या है फिर ये? हाँ बिल्कुल, चलो। तो भैया देखो ये डिसाइड करो नदी है या नहीं है, कि ऐसे यहाँ से आ रही है और ऐसे ही आगे जा रही है। ये देखिए वो भी लगा रखा है लोगों ने, पर है छोटी है, कभी पानी आता होगा ऐसे पल्ली तरफ से। नदी है, नदी ट्रैक्टर से जा सकते नहीं, आपकी गाड़ी निकल जाएगी, ट्रैक्शन नहीं ना गाड़ी में, रेत में फिसल जाएगी। उस साइड को भी रास्ता उतर रहा था शायद नीचे को नदी पे उधर से, देखिए उसको भी, पर पुल तो होगा नहीं यहाँ पर अगर नदी भी, रास्ता मेरे को वो लग रहा था ना। अच्छा क्या मालूम वहाँ पे रास्ता हो कोई, यहाँ उसको तो रास्ता नजर नहीं आ रहा मेरे को, यहाँ उतर के तो फिर फंस जाएगी हम, यहाँ रात को यहीं बैठे रहेंगे, फिर सुबह लोग पूछेंगे कर क्या रहे थे। ये तो रेत ही रहते हैं, मोड़ते हैं भाई यहाँ से, चलो भाई। देखो ये कुत्ते बैठे हैं खूब सारे यहाँ पे, यहीं से तो हम आए थे मेरे ख्याल से, यहीं से तो आए, अभी तक यहाँ पे सीआर बैठे थे। अरे ये सीआर, सीआर ही है साथ में ये, सीआर और कुत्तों की दोस्ती है। अरे अरे साथ में तो सीआर है ये, वाह जी वाह, कुत्ते और सीआर की दोस्ती हुई है। वो देखो दो सीआर बैठे हुए हैं और दो कुत्ते घूम रहे साथ में, वाह सीआर भी कुत्ते बन गए। ये तो अपनी लोकेशन नहीं थी क्यों? मैं कहता इस साइड भी उतरने की जगह है नीचे को, किस साइड जहाँ को कुत्ते कुत्ते जा रहे हैं। ऐसे गिरा नहीं पड़ा हुआ, जाएगी क्यों गाड़ी, रास्ता तो है, उधर को जाएगी पहले, उधर को यहाँ को गड्ढा है मेरी साइड को, हाँ बहुत बड़ा गड्ढा है, सीधी सीधी रखो गाड़ी,
यहाँ बहुत जगह है वैसे, अभी बहुत जगह है मेरे पास, बहुत जगह है। वो कोई टॉर्च लगा रहा है, टॉर्च लगा रहा है कोई। पता नहीं क्या आ गया भाई, टॉर्च टाइप की लग रही थी लेकिन टॉर्च तो है नहीं। जंगल में कौन घूमेगा रात को? नहीं, हमें देख के तो कौन आएगा रात के टाइम पे, वो भी इतनी रात को। वो टॉर्च भी गायब होगी लगता है। नहीं है, लाइट है। लोग बैठे हैं क्या कोई? लेकिन तो सामने तो नदी है। अरे बाप रे बाप, रुक रुक रुक, इतना ज्यादा आगे मत जाओ, नदी बड़ी है यहाँ पे। लाइट कहाँ से आ रही? लाइट कहाँ गई? ये क्या सीन हो गया हमारे साथ में? अभी हमारे सामने ही, यहीं यहीं पे तो टॉर्च मार रहा था बंदा। क्या क्या देखा था आपने? है लाइट लग रही थी तो जैसे टॉर्च मार रहा। ना? अब कहाँ है? यहाँ तो सामने नदी है और हम उसको फॉलो करते करते भी नदी में घुस जाते। मैंने वही कहा कि अगर ये तो छलावा हो गया। यार बुद्धा टॉर्च में मार रहा, उसी से करेंगे। एक मिनट रुको, उतर के देखें एक बार, लाइट रुको, उतर के देखते हैं। भाई कुछ तो सीन हुआ है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। सामने तो देखो, आप बोले ना छोटी नदी है करके, ये देखो कितनी बड़ी नदी है। बताओ इतना बड़ा फार्म है, नदी भी है इसकी, नदी भी निकल रही है इसके बीच से। हैं, बदबू बहुत गंदी आ रही है मेरे ख्याल से, मरा हुआ ही होगा कुछ, क्योंकि टाइगर आपने बोला यहाँ है नहीं। सीन हो गया है। कोई नहीं है, इसमें करंट होगा। हो सकता है हाँ है, देखो ये रहा, ना? ये रहा। तो भैया इससे दूर ही रहो और इससे भी दूर रहो, है ना? गाड़ी में ही चलते नहीं हैं फिर तुम, चलो। पर ये समझ नहीं आया कि ना लाइट जो पड़ रही ये थी सीन हो वो गया गलत। ऐसा तो नहीं है आपकी ये लाइट वाइट देख के कोई और क्यों भाग गया हो? तो भारी है, लाइट तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई टॉर्च घुमा रहा हो ऐसे। हाँ आओ भाई, ये अपने इंडेवर है, बैठते हैं इंडेवर में। तो भैया आपको बता दें कि हमारे साथ में एक सीन हो चुका है और सीन आपने देख ही लिया है ऑलरेडी, तो बताए भी क्या आपको, ये सीन आपके सामने ही हुआ है। अब ये मत कहना कि ये दो कुत्ते और सियार की दोस्ती हो गई, ये वाला नहीं। जो सीन आपने देखा भाई, लाइट हमको एक दिख रही थी, अब कैमरे में कितनी रिकॉर्ड हुई है ये तो नहीं पता, बट ये है कि हाँ दिख रही थी क्लियर, और कोई टॉर्च बहुत तेज घूम रही थी वो, है ना? और सडनली वो गायब भी हो गई जैसे हम वहां पहुंचे हो, और जैसे ही गायब हुई तो हमारे सामने क्या था? और अगर हम फॉलो कर रहे होते उसके तो नदी में घुस जाते, भी बाल बाल बचे हैं भाई। बिल्कुल ऐसे कटाव सीन हो गया खराब, अभी बचे हैं बाल बाल। पेड़ पर पहुंच गए। तो भाई मैं सोच रहा था इसको और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फतेह भाई ने कहा है कि
यहाँ से अब निकलते हैं क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन करी है यहाँ पे और रिजल्ट भी हमको मिले हैं, लगभग सभी चीज़ों में मिले हैं, सिर्फ मोशन सेंसर जला नहीं है ना। मोशन सेंसर बाकी कैमरे में पता लगेगा चला है कि दूसरा कैमरा आपने प्लेस किया, तो हम आगे चले गए। तो मेरा मन तो एक्सप्लोर करने का था, लेकिन एक्सप्लोर करने को ऐसा कुछ बचा भी नहीं है इसमें, क्योंकि हमने तो पूरी गौशाला ही घूम ली एक तरह से। पूरी गौशाला तो नहीं कहूँगा, वो तो घूमना मुश्किल है, बट नदी के नदी सीन हमारे साथ में जो हुआ वो फतेह भाई बताएंगे। लाइट पड़ रही थी, पता नहीं अब देखी है ऐसे मूव हो रही थी, तो हमने कहा ठीक जाते ही कौन है क्या है, हमें टॉर्च मार रहा है कोई क्या है, तो जा रहे थे तो आगे बिल्कुल नदी, और नदी भी बिल्कुल कोई ढलान नहीं थी उसमें, सीधे खड़ी थी, बिल्कुल खड़ी नदी थी, अगर चले जाते तो बीच में जाते। तो अब आपकी इच्छा नहीं हो रही रिस्क लेने का? और उस टाइम वहाँ आपकी गाड़ी रेत में चली गई थी, डाली दी होती उस टाइम पे, आप कह रहे नदी कहाँ से आ गई, पानी इकट्ठा हो रखा होगा, दो बार बच गई गाड़ी है ना। तो भाई ये रिस्क लेना गलत हो जाएगा अपने लिए ना। तो जैसा फतेह भाई कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं भाई, मैं तो घुमक्कड़ आदमी हूँ, मज़ा आता है घूमने में, और फतेह भाई मुझसे भी तकड़े वाले घुमक्कड़ है, लेकिन अगर अभी हम नदी में होते हैं तो हमें निकालता कौन वहां से, और कब तक नहीं निकालता पहले ये तो बताओ। कोई आइडिया है? आइडिया भी नहीं है। अब नदी कोई छोटी मोटी नहीं थी ना, एकदम आपने वो कितना ऊंचे कह रहा है यार, लॉजिक देखो ना यार, जब अगर 2200 एकड़ की प्रॉपर्टी है ठीक है, घूमना आसान नहीं है, अगर 2200 एकड़ की प्रॉपर्टी हम कहीं फंस जाते हैं तो 2200 एकड़ के अंदर तो कोई रहता ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो पूरी बंजर है। सो मतलब 2200 एकड़ तक हमारे पास कोई हेल्प नहीं है, नहीं। और अगर हम बीच में हैं तो, और हम दाएं बाएं भी हैं तब भी हमारे पास कोई हेल्प नहीं है, तो ऐसे में सीन होगा क्या हमारे साथ में? तो दो बार हमको बहुत तगड़ा वाला कंफ्यूज कर दिया ठीक है, और नदी में घुसते घुसते बचे, और हमें पता भी नहीं था नदी भी है, नदी पता था आपको यहाँ पे है, और आपने पहले बोला कोई नाला वाला से हल्का था पानी का, बाद में देखा इतनी बड़ी नदी सामने गाड़ी के आगे बिल्कुल सामने। दूसरी बार तो ऐसा हुआ कि नदी अगर बिल्कुल रोड ही कट जाए यहाँ से, तो फिर वही वही सीन हुआ ना, एकदम आगे चले गए उसके लाइट का पीछा करते हुए और आगे बिल्कुल। एविडेंस भैया आपके सामने ही है, जो एविडेंस आए हैं, आवाज रिकॉर्ड हुई होगी अगर तो आप सुन लोगे, नहीं होगी तो क्या कह सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को तो मैं यहीं पे एड करता हूँ, यहाँ से निकलते हैं हम लोग और मिलेंगे आपसे सीके ब्लॉग्स में, क्योंकि सीके ब्लॉग्स में मैं कंटिन्यू ब्लॉग बना रहा हूँ, लोकेशन से जाने का आने का जो भी है, अभी बच गए हैं तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।